अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो जी आज मैं आपको चनों की दाल बनाने का बहुत ही इजी तरीका बताऊंगी। तो जी सबसे पहले हमने चनों की दाल चुक के अच्छी तरह से भिगो लेनी है। इसको तकरीबन एक घंटे के लिए भिगो देंगे। दूसरी तरफ हमने 1 kg बीफ लेना है और इसको बॉईल कर लेना है। बॉईल करने से इसमें स्मेल नहीं आता। फिर हमने एक लहसुन ले लेना है, एक प्याज ले लेना है और एक टमाटर ले लेना है, साथ में थोड़ा सा अदरक ले लेना है। और यहाँ देखिए हमारा गोश्त बॉईल हो गया है। इसमें हमने प्याज और लहसुन ऐड करने हैं और अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। साथ में हम इसमें 1 चम्मच सूखा धनिया डालेंगे, 1 चम्मच हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे और फिर 1 चम्मच हम इसमें रेड मिर्च ऐड करेंगे और 2 चम्मच इसमें नमक का ऐड कर देंगे। साथ में हम टमाटर का इसमें पेस्ट डाल देंगे और 1 गिलास पानी ऐड कर देंगे जी। तो फिर हम इसको लगा देंगे वेट 15 मिनट के लिए। अब हम वेट खोल के चेक करेंगे गोश्त गल गया कि नहीं, और अगर नहीं गला तो आप दोबारा वेट लगा दें, और अगर गल गया तो आप इसमें 2 कप ऑयल के ऐड करें और इसे अच्छी तरह से भून लें। गोश्त को पूरी तरह नहीं पकाना क्योंकि ये दाल में खुद ही पक जाएगा। इसमें ऐड करेंगे पानी और साथ दाल ऐड कर देंगे। पानी आपने 3 से 4 गिलास ऐड करने हैं और उसके बाद हमने इसको लगा देना है वेट 15 से 20 मिनट्स के लिए। इससे ज़्यादा आपने वेट नहीं लगाना। उसके बाद हम दाल को चेक करेंगे। अगर आपने पानी खुश्क करना तो आप खुश्क कर लें, और अगर आपने ऐसे ही रखना तो ऐसे ही रखना। यहाँ पे दाल पक गई है। अब इसमें हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला, साथ में 2 हरी मिर्च हम डाल देंगे काट के, और साथ में हम डालेंगे धनिया ऐड कर देंगे। धनिया ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और साथ ऊपर ढक्कन रख देंगे। अब आप दाल की फाइनल लुक देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया आपका फ्रेंड्स मेरी वीडियो देखने के लिए।